नमस्ते मित्रों, निसर्ग ऑर्गेनिक फार्म में आपका स्वागत है। आज जो है हम अगथ्या के नीचे जो है वो हम नागरवेल का पान जो है वो बोने जा रहे हैं। जो नागरवेल का पत्ता पान खाते हैं उसको बोने जा रहे हैं, उसकी हम पाउडर बनाएंगे और अखा पान जो है वो आपको आप तक पहुंचाने का हमारा प्लानिंग है। इसलिए हम इसको बो रहे हैं क्योंकि वो आजकल जो है वो ऑर्गेनिक पान नहीं आता है, पान आता है लेकिन वो केमिकल डाल के जो है वो उसको ग्रो किया जाता है, लेकिन हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं इधर, कोई भी देखो आप, ये देखो आप, पूरा नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो आप, ये जो है वो हमारा अगथ्या है, उसके नीचे नाइट्रोजन का जो है वो इसके मूल में बल्ब बना हुआ। देखो आप, ये मैं लेके आपको दिखाता हूँ। देखो ये पूरा नाइट्रोजन का बना हुआ होता है। जो पान को नाइट्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन का केमिकल सब डाल के जो है वो अच्छे से वो करता है, तो उसके लिए नाइट्रोजन जो है ज़मीन से ये पौधा जो है अगथ्या का, अगथ्य बोला जाता है इसको, ये वो जो इसमें डालेंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक पद्धति से हम जो है वो पान की खेती कर रहे हैं, अभी वो चालू करना चाहते हैं और आपको जो है अच्छे से प्रोडक्ट मिले, ऑर्गेनिक चीज़ें मिले, उसके लिए हम हमेशा मेहनत करते रहते हैं। तो दूसरी बात जो है वो हमने इधर जो है लगाया हुआ है, ये ग्रीन टी है, जो लेमन ग्रास जो हम कहते हैं और चाय में डालते हैं, और इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है, इसमें बहुत बढ़िया सुगंध है। हमने जो है वो मूंगफली के बीच में पहले डाली थी। ये समझो एक मंथ का पौधा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरी लाइन में ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हमने हम मिक्स फार्मिंग करके बड़ा जो है वो अच्छे से ऑर्गेनिक पद्धति से आपको जो है वो हर चीज उपलब्ध हो, इसी तरीके से जो है हम काम कर रहे हैं। तो आपको आप डिमांड करें हमें कि हमको ये चीज ऑर्गेनिक चाहिए, तो हम वो हमारे फार्म में ये चीज ऑर्गेनिकली उगा कर जो है वो आपको देने के लिए तैयार है। आप हमसे संपर्क करें और अपनी बात बताएं कि हमको क्या, आप क्या चाहते हैं कि आपको ऑर्गेनिक क्या चीज़ें मिले और बाज़ार में क्या चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं मिल रही है, हम आपको बताएं, हम आपको जो है वो बताएंगे कैसे मिलेगा आपको। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।